Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine by the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Once again, I welcome you in JK Civil Services. And today we are going to discuss the most important and the most interesting concept related to articles. अगर हम बात करेंगे आज इस वीडियो की तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जीरो आर्टिकल के बारे में. और जीरो आर्टिकल के साथ साथ मैं कुछ MCQs लेके आया हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है. As far as the competitive exams are concerned, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं. एंड इन द प्रीवियस वीडियो अगर हम बात करेंगे प्रीवियस वीडियो की तो उसमें हमने जीरो आर्टिकल के कुछ रूल्स को डिस्कस किया है. बस इस वीडियो में और भी कुछ रूल्स है जो हमें रहे थे, तो वहां से हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा जो वीडियो है वो स्टार्ट होगा. ओके तो लास्ट वाला पॉइंट जो उस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो ये था कि डिजीजेस के साथ हम कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाहे ए है, एन है या द है, चाहे डेफिनेट आर्टिकल है या इनडेफिनेट आर्टिकल है. व्हेनेवर द नेम ऑफ डिजीजेस कम्स आफ्टर द ब्लैंक, ब्लैंक के बाद जब भी डिजीज का नाम आता है जनरली तो हम कोई आर्टिकल नहीं लिखते हैं. बट द एक्सेप्शंस आर देयर, तो वो एक्सेप्शंस मैंने आपको उस वीडियो में डिस्कस किए, वो है मम्पस, रिकेट्स जैसे फ्लू है, ऐसे डिजीज का नाम आएगा तो इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल दा को हम इस्तेमाल करते हैं. और एक रूल है जीरो आर्टिकल का, यानी कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जहां पे आर्टिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है. अगर यहां पे हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ए या एन का इस्तेमाल करेंगे या डेफिनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें ये सवाल, ये क्वेश्चन जो है ये गलत होता है. तो यहां पे नेम ऑफ मील्स, मील्स यानी कि खाने का नाम, जैसे कि ब्रेकफास्ट है जो हम सुबह करते हैं, फिर 1 बजे के बाद खाना खाते हैं जिसको हम लंच कहते हैं, फिर ब्रंच आता है. ब्रंच का मतलब क्या है, चलिए ये समझा देता हूं. अगर सुबह मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया और मैं स्कूल के लिए चला गया, स्कूल के लिए चला गया, तो अब 1 बजे मुझे क्या करना है, खाना खाना है, मगर मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है. अब मैंने डायरेक्टली क्या किया है, लंच किया है. इसको लंच नहीं कहेंगे, इसको ब्रंच कहेंगे. उस टाइम जब ब्रेकफास्ट के बगैर हम डायरेक्टली लंच पे आएंगे तो उसको ब्रंच कहते हैं. ऐसे ही है डिनर, ऐसे ही है सपर, यानी कि इवनिंग में जो हम खाना, जो हम चाय पीते हैं वगैरह, तो उसको हम सपर कहते हैं. ये वर्ड सिप से निकला है, सप सिप, कोई चीज पीना हल्का सा. तो इनके साथ भी चाहे ब्रेकफास्ट ब्लैंक के बाद आएगा, लंच आएगा, ब्रंच आएगा, डिनर आएगा, सपर आएगा, ऐसे ऐसे वर्ड्स यानी कि नेम ऑफ द मील्स अगर बेटा आया ना किसके बाद, डैश के बाद, तो आपको क्या करना है, आपको जीरो आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, यानी कि नो आर्टिकल पे टिक आपको करनी है. जैसे कि मैं यहां पर लिखूंगा लंच, ऐसे यहां पे एक एग्जाम्पल दी गई है, व्हेन आर वी हैविंग डैश लंच. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है व्हेन आर वी हैविंग लंच. ये करेक्ट है, वहां से करेक्ट है. अब डैश दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो यहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं होगा क्योंकि ब्लैंक के बाद शाबाश मील का नाम है, यानी कि लंच है. ऐसे ही और एक एग्जाम्पल है, आई हैव टेकन डैश डैश डिनर. आपको देखना कहां पे है, इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोज में आपको ये क्लियर किया कि डैश के बाद क्या है, वहां पे हमें फोकस करना है, उस चीज को पकड़ के, उस चीज को समझ के हमें क्या करना है, आर्टिकल का इस्तेमाल करना है. तो डैश के बाद क्या है, डिनर. डिनर इज द नेम ऑफ द मील, यानी कि जो हम शाम को खाना खाते हैं, डिनर, यानी कि हैवेस्ट मील ऑफ द डे जो होता है, तो इस डिनर के साथ भी हम जीरो आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे ही आएगा सपर आएगा, ब्रंच आएगा, ब्रेकफास्ट आएगा, तो इनके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे. ओके, नोट दीज पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न. हर किसी एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं. और मेरे वीडियोस देखने के बाद, आफ्टर वॉचिंग माई ऑल वीडियोस जो भी इस सीरीज पे मैंने, इस कंसेप्ट में मैंने दिए, वो वीडियोस देख के आपको सवाल गलत कभी भी नहीं हो सकता. इसलिए करना क्या है, आपको जो बच्चा पहली बार मेरा वीडियो यहाँ पे देख रहा है, तो उसके लिए एक सजेशन है कि पहले जो 3 वीडियोस या 4 वीडियोस मैंने इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड इस पे दिए, पहले वो वीडियोस आप वॉच करिए, उसके बाद इस वीडियो को आप आसानी के साथ समझ सकते हो. अब क्या है, अब हमारे पास और एक कॉन्सेप्ट है, अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन वी टॉक जनरली बट स्पेशली टेक्स द. अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली अनकाउंटेबल नाउन्स की, यानी कि कोई अनकाउंटेबल नाउन लेंगे तो स्पेसिफिकली उसके बारे में बात करेंगे, जैसे यहां पे एग्जांपल है दिए गए हैं, अभी आपको अच्छे से क्लियर होगा. तो स्पेसिफिकली जब हम बात करेंगे तो द आता है, और जब अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे जनरली तो कोई भी आर्टिकल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिखूंगा डैश डैश वॉटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, डैश डैश वॉटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ.
हमें क्या लगता है अक्सर बच्चे काम करते हैं वो वाटर से पहले क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है वाटर नाम दिया गया है, पानी का नाम दिया गया है तो ये खास है। बट करना क्या है, आपको देखना है कि वाटर क्या है पहले। इट्स ए मास नाउन या ये क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, और जिस चीज को हम गिन नहीं सकते हैं उसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं व्हेन वी टॉक जनरली अबाउट दैट वेरी थिंग। यहां पे वाटर इज ऐसे, यानी कि जनरली बात कर रहे हैं, यहां पे हैप्पीनेस इज ए फीलिंग, जनरली बात कर रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन हैप्पीनेस की तो कोई आर्टिकल नहीं आ सकता है। अब यहां पे डाइजेस्ट वाटर ऑफ चिनाब इज कूल, चिनाब रिवर, डाइजेस्ट वाटर ऑफ चिनाब रिवर इज कूल। तो यहां पे वाटर किसका, चिनाब रिवर का, यानी कि स्पेसिफिकली हम उस पानी की बात करते हैं जो चिनाब रिवर से बहता है, तो इसीलिए हम यहां पे द को इस्तेमाल करेंगे, द वाटर ऑफ चिनाब रिवर। ठीक है बेटा, ओके, आई होप यू आर कैचिंग ईच एंड एवरीथिंग। आई लाइक डाइजेस्ट टी, क्या आई लाइक टी सही है, आई लाइक टी, आई लाइक द टी, आई लाइक एंड टी, क्या यहां पे हम आर्टिकल को इस्तेमाल करेंगे, नो। आई लाइक टी, मैं चाय को पसंद करता हूं, ठीक है, आई लाइक टी। आई लाइक ए टी, रॉन्ग है, आई लाइक द टी, गलत है, क्योंकि जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट टी, और जब भी जनरल कॉन्सेप्ट आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा, चाय को गिन नहीं सकते हैं, तो कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा बेटा। यहां पे क्या है, यहां पे देख लीजिए बेटा, यहां पे डैश डैश टी ऑफ आसाम, आसाम की चाय पियो, दिमाग आता है, डैश डैश टी ऑफ आसाम इज फेमस। यहां पे टी ऑफ आसाम, यानी कि आसाम की चाय के बारे में हम बात करते हैं, टी ऑफ कश्मीर, टी ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे ये क्या लेगा, द टी ऑफ आसाम। इट मीन्स अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम द डेफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम स्पेसिफिकली या पर्टिकुलरली बात करेंगे। आगे चलेंगे, इस वीडियो का एंड तक देखिए, इसमें मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एग्जाम रिलेटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, वो मैं लेके आया हूं। डैश कॉटन ग्रोस इन डैश महाराष्ट्र, डैश कॉटन ग्रोस इन डैश महाराष्ट्र, क्या यहां पे आर्टिकल आएगा ऐसे, द कॉटन ग्रोस इन द महाराष्ट्र आएगा, या कॉटन ग्रोस इन महाराष्ट्र डायरेक्टली आएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। कॉटन ग्रोस इन महाराष्ट्र, क्या ये सही है, क्या इसमें नो आर्टिकल आएगा, नो आर्टिकल यानी कि जीरो आर्टिकल, ऐसे कॉटन ग्रोज इन महाराष्ट्र करेक्ट है। दैट मीन्स अगर ये सवाल एग्जाम में पूछा गया तो हम किस पे टेक करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे द कॉटन ग्रोज इन द महाराष्ट्र, ए कॉटन ग्रोज इन द महाराष्ट्र, या कॉटन ग्रोज इन महाराष्ट्र जीरो आर्टिकल पे टेक करेंगे। याद करिए बेटा, महाराष्ट्र इज द नेम ऑफ द स्टेट, यहां स्टेट, यहां पर एक किलो देता हूं, महाराष्ट्र इज द नेम ऑफ द स्टेट, और जब भी स्टेट का नाम आता है, किसी कंट्री का नाम आता है, तब हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। कॉटन ग्रो होता है कहां, महाराष्ट्र में, क्या इसमें कोई चीज स्पेसिफिक है, अगर है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ऐसे ही है, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ये कीमती मेटल है, इसमें कोई शक नहीं है, जनरली हम बात करेंगे तो इसमें जीरो आर्टिकल इस्तेमाल होगा। अब है डैश डैश गोल्ड ऑफ योर रिंग, समझे ना बेटा बात को, यहां पर डैश डैश गोल्ड ऑफ योर रिंग, आपके रिंग का जो गोल्ड है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द गोल्ड ऑफ द रिंग, यानी कि उस गोल्ड के बारे में बात करता हूं जो आपने रिंग लगाई है, उस रिंग में जो गोल्ड है उसी गोल्ड के बारे में बात करता हूं, इट मीन स्पेसिफिकली बात करता हूं, तो यहां पर आएगा द गोल्ड ऑफ योर रिंग, यस दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलेंगे, शुगर इज स्वीट, इसमें कोई शक है क्या, नहीं है ना, इसमें कोई भी शक नहीं है, शुगर इज स्वीट। अब क्या है, क्या ऐसा आएगा द शुगर इज स्वीट, नो, क्योंकि हम जनरली बात करते हैं। अब है वेयर इज डाइजेस्ट शुगर, वेयर इज डाइजेस्ट शुगर दैट आई बॉट यस्टरडे, यस्टरडे को देखो, दैट आई बॉट यस्टरडे को देखो, यानी कि उस शुगर की बात हो रही है जो मैंने क्या कल लाया, कल खरीदा, हाँ, that I bought yesterday, यानी कि जो मैंने yesterday, कल मैंने जो शुगर लाया, उस शुगर की बात हो रही है, इसका मतलब specifically उस शुगर की बात हो रही है जो मैंने कल लाया, क्या यहां पे आएगा, yes, exactly आएगा, this will be your correct option, where is the sugar, okay, ऐसे ही है, डाइडेश ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है बच्चा, ऑनेस्टी एक ऐसा चीज है, ईमानदारी, जिसको गिन नहीं सकते हैं,
डाई डैश ऑनेस्टी शोन बाय अकबर वॉज कमेंडेबल। डाई डैश ऑनेस्टी, जैसे कि हम कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ओके जनरली बात करेंगे, मगर यहां पे आप फोकस करो, जस्ट फोकस हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फेस द कंसेप्ट, अंडरस्टैंड करो कंसेप्ट को लो, फिर जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इट्स डेड पॉसिबल, इट्स इंपॉसिबल दैट यू कैन टिक ऑन द रॉन्ग आंसर। ओके, यहां पे क्या है, डायडेश ऑनेस्टी शोन बाय अकबर, उस ऑनेस्टी की बात हो रही है बेटा जो किसने दिखाई, अकबर ने दिखाई, दैट मींस जनरली बात नहीं हो रही है, अकबर के ईमानदारी की बात हो रही है, वॉज कमेंडेबल। अब क्या आएगा, द ऑनेस्टी शोन बाय अकबर वॉज कमेंडेबल, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी क्या लगेगा, द लगेगा। अब कुछ वर्ड्स लेके आया हूं, दिस इज गोल्डन पॉइंट फॉर यू, नोट करते जाइए, जितने भी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वीडियोस में, एक भी पॉइंट आप मिस ना करो, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं से भी आपका सवाल आ सकता है एग्जाम में। नाइट वर्ड के साथ, नाइट वर्ड के साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है, नून, डेस्क, डन, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इनके साथ नो आर्टिकल, यानी क्या, कोई भी आर्टिकल हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से समझाइए सर, अरे लेके आया हूं ना आपके लिए एग्जाम्पल, बस थोड़ा सा वेट करिए, यहां पे स्क्रीन पे देखिए एग्जाम्पल है, यहां पे टुमारो दिया गया है, यहां पे वेस्टरडे है, यहां पे टुडे है, क्या इनके साथ आर्टिकल इस्तेमाल होगा बेटा, क्लियर यूर कंफ्यूजन, आज तक जितने भी कंफ्यूजन रहे हैं इस कंसेप्ट के रिलेटेड, आज वो सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, दिस इज माई वर्ड विथ यू। ओके, यहां पे आई विल मीट यू डैश टुमारो, क्या है, आई विल मीट यू टुमारो इज करेक्ट ऑप्शन, इज करेक्ट आंसर, इफ यू विल पुट ए एन और डेफिनेट आर्टिकल द हियर, इट विल बी द रॉन्ग आंसर, देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट क्या है, करेक्ट बच्चा यही है, आई विल मीट यू टुमारो, दैट मीन्स दिस वर्ड कॉन्टेक्स एनी आर्टिकल, ये वर्ड कोई भी आर्टिकल नहीं लेता है, ऐसे ही है, She was there, वो यहां थी, yesterday, क्या हम लिख सकते हैं, She was there, the yesterday, a yesterday, and yesterday, no, क्योंकि yesterday word के साथ कोई भी article नहीं बेटा। Okay, She was there, अब है I will deliver, delivery इसने लिखी है, यहां पे spell error है, यहां पे deliver, deliver, I will deliver my lecture today. डैश के बाद क्या है, टुडे, क्या इसमें आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ओके, ये आपके लिए सवाल छोड़ता हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिखे क्या इसके साथ आर्टिकल ए एंड आएगा कि नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, रीजन को भी लिख लीजिए। अब है नेम ऑफ लेक्स एंड माउंटेन्स, ओके प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ डिस्कस किया था, ट्राई टू रिमेंबर एंड ट्राई टू कनेक्ट द कंसेप्ट, मैंने बोला था ग्रुप ऑफ लेक्स के साथ, जैसे कि ग्रेट लेक्स के साथ मैंने लिखा था द ग्रेट लेक्स, ऐसे ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स जैसे कि हिमालयाज, इनके साथ लिखा था हमने द हिमालयाज। अब अगर डायरेक्टली नाम आएगा लेक, फॉर एग्जाम्पल डल लेक, वलुर लेक, ऐसे किसी माउंटेन का नाम आएगा, फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट इज टॉल, माउंट एवरेस्ट की बच्चा बात करेंगे ना तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहां से देखते हैं माउंट एवरेस्ट, ओ माउंट एवरेस्ट इतना बड़ा पहाड़ है, खास चीज है, आते हैं जल्दी जल्दी लगा देते हैं द और गिनते हैं एक मार्कस, बाहर जब आंसर की देखते हैं ना तो वहां पे उनका आंसर गलत होता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट से टाल है, खास है, जो भी है, मगर रूल इज रूल, तो रूल क्या है इंग्लिश में, माउंट एवरेस्ट के साथ या किसी पहाड़ का नाम आएगा, किसी भी माउंटेन का नाम आएगा तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, द माउंट एवरेस्ट इज टॉल नहीं, माउंट एवरेस्ट इज टॉल, ओके ये ठीक है, इसका मतलब इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं। आप क्या है बेटा, आप है डल डैश, डल लेक इज ब्यूटिफुल, क्या इसके साथ डल लेक, इट्स द नेम ऑफ द लेक, कश्मीर का एक फेमस लेक है जो श्रीनगर में है, तो क्या इसके साथ आर्टिकल लिखेंगे, नहीं। और एक रूल, ये रूल आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है और अक्सर हम इनके साथ ए द इस्तेमाल करते हैं, मगर आज के बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैं सिखाऊंगा आपको क्या इनके साथ आर्टिकल इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। ओके,
अब क्या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल अगर इनके बारे में बात करेंगे इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में जनरली अगर बात करेंगे तो कोई भी आर्टिकल नहीं आ सकता है एज पर द रूल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की अगर हम जनरली बात करेंगे तो आर्टिकल नहीं आएगा कैसे सर ओके डोंट वरी आई एम हियर विथ यू टू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट मैं आपके साथ हूं और जितने भी आपके कंफ्यूजन होंगे कॉमेंट बॉक्स में आप लिखें आई विल ट्राई माई बेस्ट ओके यहां पे क्या है यहां पे शी गोज टू स्कूल वो स्कूल जाती है जनरली बात करते हैं शी गोज टू स्कूल डायरेक्ट स्कूल है बच्चा यहां पे देखो क्या है शी गोज टू डायरेक्ट स्कूल शी गोज टू ए स्कूल रॉन्ग है शी गोज टू द स्कूल ये भी गलत है क्योंकि हम स्कूल के बारे में जनरली बात करते हैं अगर स्पेसिफिकली बात करेंगे ना इन इंस्टीट्यूशंस को लाएंगे मगर स्पेसिफिकली बात करेंगे तो तब इनके साथ जीरो आर्टिकल नहीं तब इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल डाल लगता है ओके कैसे सर यहां पर एग्जाम्पल है दिस इज डायरेक्ट स्कूल ये वो स्कूल है वेयर मुजम्मिल वाज स्टडिंग जहां मुजम्मिल पढ़ रहा था मैं जनरली बात नहीं करता हूं स्कूल के बारे में मैं उस स्कूल के बारे में बात करता हूं जहां पे मुजम्मिल पढ़ रहा था जहां से मुजम्मिल ने पढ़ाई की तो क्या आएगा दिस इज द स्कूल यानी कि यहां पे मैं उस स्कूल की बात करता हूं जहां पे मुजम्मिल पढ़ रहा था तो स्पेसिफिकली बात करेंगे तो आएगा ओके आगे चलेंगे ऐसे शी वॉज एडमिटेड इन डैश हॉस्पिटल हॉस्पिटल में तो एडमिट ही होता है ना इंसान तो जनरली बात करते हैं किसके बारे में हॉस्पिटल के बारे में इट टेक्स नो आर्टिकल दिस इज डैश हॉस्पिटल वर रोहन वॉज एडमिटेड यानी कि ये वो हॉस्पिटल है जहां पे रोहन क्या था एडमिट था क्या इसके साथ सर आएगा आर्टिकल अगर आएगा तो कौन सा आर्टिकल आएगा कॉमेंट बॉक्स में लिखिए आगे चलेंगे आई वॉज स्टडिंग इन कॉलेज Majority of the students, most of the students, ये सवाल गलत करते हैं वो ऐसे लिखते हैं I was studying in the college. I was studying in a college. Now, कॉलेज के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम पढ़ते हैं कॉलेज में एक ही चीज होता है वो है क्या जो इसका प्राइमरी पर्पज है वो है पढ़ाई देना हाँ यहां पे बच्चे जाते हैं पढ़ाई के लिए अब अगर प्राइमरी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है तो कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा अब क्या है दिस इज डैश कॉलेज वेयर आई हैड गॉट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम माय टीचर्स ये वो कॉलेज है जहां पे टीचर्स ने मुझे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट किया तो स्पेसिफिकली मैं उस कॉलेज के बारे में बात करता हूं इसके साथ आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल आएगा आगे चलेंगे सर ओके वीडियो में बनी रहे बहुत मजा आने वाला है आज यहां पे नेम ऑफ पर्सन्स के साथ किसी भी इंसान का नाम आएगा तो वहां पे भी आर्टिकल नहीं आ सकता है मगर जनरली अगर हम बात करेंगे किसी भी इंसान के बारे में अगर उसका नाम आया तो नाम के साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखूंगा डैश आकिफ is a good boy dash okay akif is a good boy akif naam hai kisi person ka kya iske sath article aayega nahi aayega hum aise nahi likh sakte hain the akif is a good boy nahi akif is a good boy okay name of the person whenever you will find the name of the person anywhere to wahan pe koi bhi article aap put nahi karoge na a na an other ओके कैसे सर यहां पे एग्जांपल से आपको समझ में आएगा यहां पे डैश राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय राम के बारे में बच्चा बात है ये एक इंटेलिजेंट बॉय है क्या करते हैं हम द राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय क्योंकि राम इंटेलिजेंट है ये खास बन गया तो हम लिखते हैं द राम अक्सर बच्चे ये सवाल गलत करते हैं नहीं बेटा इसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल ना करो डैश रोहन इज ए गुड बॉय द रोहन इज ए गुड बॉय बिल्कुल भी नहीं डैश शेक्सपियर वॉज ए ग्रेट पोएट क्या इसके साथ शेक्सपियर वॉज ए ग्रेट पोएट के साथ आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा नो क्योंकि शेक्सपियर नाम है किसी इंसान का ऐसे है
कालिदास वॉज अ फेमस राइटर, क्या ये सही है या गलत है? द कालिदास वॉज ए फेमस राइटर, या ये ठीक है कालिदास वॉज ए फेमस राइटर? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, द कालिदास आएगा या कालिदास खाली आएगा। ओके आगे चलेंगे, एक्सेप्शंस है। ओके डियर, इसमें भी एक्सेप्शंस है। अगर हम जनरली बात करेंगे, जनरली किसी इंसान के बारे में बात करेंगे, किसी इंसान का नाम लाएंगे डैश के बाद, तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आ सकता है। अब एक चीज है, अगर हम कंपैरिजन लगाएंगे, कंपैरिजन एक इंसान को दूसरे इंसान के क्वालिटीज के साथ कंपेयर करेंगे, तो वहां पे द आ सकता है, आ सकता नहीं बल्कि आता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर द न्यूटन ऑफ अवर क्लास, यू आर द न्यूटन मैंने बोला, यू आर द शेक्सपियर ऑफ अवर क्लास। अभी मैंने बोला था शेक्सपियर वॉज, यहां पे अगर आप एग्जाम्पल, शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट पोएट, यानी कि द शेक्सपियर मैंने नहीं लिखा, क्योंकि जनरली मैंने शेक्सपियर की बात की, वो एक शायर था। अगर कंपैरिजन करोगा आपको शेक्सपियर के साथ या खुद को शेक्सपियर के साथ, फॉर एग्जाम्पल आई एम द शेक्सपियर ऑफ माई ग्रुप, ऑफ माई क्लास, तो यहां पर द लगाना बिल्कुल करेक्ट है। ओके आई होप यू गॉट एवरीथिंग। अब आपके लिए कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूं, तो करना क्या है, ये सारे एमसीक्यूज का स्क्रीनशॉट लेना है या कॉपी नोटबुक पे लिखिए आप। और आपको क्या करना है, जो मैंने चार वीडियोस या पांच वीडियोस में आर्टिकल पढ़ाया, इन पांच वीडियोस को देखना है फ्रॉम फर्स्ट टू एंड, यानी कि पहले सेकंड से लेकर लास्ट सेकंड तक, और उसके बाद इन एमसीक्यूज पे जाना है। और ये मेरा वर्ड है, मेरा वादा है आपसे, आपको ये सारे एमसीक्यूज एक मिनट में आएंगे। एक सेकंड में आप एक एमसीक्यू करोगे, तो एग्जाम में एक मिनट मिलता है, तो आपको एक मिनट नहीं सिर्फ क्या लगेगा, एक सेकंड लगेगा। बट करना क्या है, मेरे वीडियोस को लाइक करना है और उसके साथ साथ वीडियोस को देखना है। आगे चलेंगे, यहां पर टेस्ट आपके लिए क्या है, यूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स, या ए लिखना है या एन या द लिखना है, और जीरो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल या ए एंड दर जीरो आर्टिकल। ये आपका एमसीक्यू सेशन यहां से स्टार्ट, पहला टेस्ट आपके लिए, पहला टेस्ट आपके लिए। यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके पहला क्वेश्चन क्या है, आई नीड डैश डैश पेन टू राइट। पहला सवाल है आई नीड डैश डैश पेन टू राइट। ओके बेटा, यहां पे सेंटेंस पे देखो, आई नीड डैश डैश पेन, मुझे जरूरत है, मुझे चाहिए पेन, किस लिए, टू राइट, लिखने के लिए। क्या जनरली बात करते हैं या स्पेसिफिकली बात करते हैं? तो जनरली बात करते हैं, एक पेन चाहिए लिखने के लिए, तो पेन का काम ही क्या है, लिखना है, हम इसे लिखते हैं। और पेन क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है कि नहीं, है कि नहीं, यस सर, तो जीरो आर्टिकल इसमें नहीं आएगा, हो गया पहला ऑप्शन कैंसल, जीरो आर्टिकल कैंसल। अब देखते हैं एन आएगा, एन को यहां पे देखते हैं, पेन, ये प की साउंड, यानी कि एन भी कैंसल। अब क्या आएगा, ए या द, यानी कि मैं जनरली बात करता हूं किसके बारे में, पेन के बारे में चाहिए लिखने के लिए, मगर कौन सा पेन चाहिए, किस कलर का पेन चाहिए, वो यहां पे नहीं लिखा है, इसलिए द भी कैंसल। तो क्या आएगा सर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पे आई नीड ए पेन टू राइट, दिस विल बी योर राइट आंसर। ओके आगे, शी इज रीडिंग डैश डैश बुक अबाउट कश्मीर, शी इज रीडिंग डैश डैश बुक अबाउट कश्मीर, वो कश्मीर के बारे में क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है, कौन सी किताब पढ़ रही है वो पता नहीं, बट कश्मीर के बारे में क्या पढ़ रही है, किताब। तो कितने बुक्स कश्मीर के रिलेटेड है बेटा, शाबाश, पांच सेकंड आपके पास है, पांच सेकंड में सोचे कितने बुक्स है कश्मीर के रिलेटेड, बहुत सारे बुक्स है, मगर यहां पे बुक की जिक्र नहीं की गई है। क्या ये जनरल स्टेटमेंट है? अगर जनरल स्टेटमेंट है तो यहां पर ए आएगा, अगर स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं किसी बुक के बारे में तो तब द आएगा। अब यहां पर ए आएगा या द आएगा, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा। ओके आगे चलेंगे, यहां पे है कैन यू लैंड मी डैश डैश अम्ब्रेला। चलिए याद करो बेटा,
शाबाश फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर आपको यह चीज समझा रहा हूं कि डैश के बाद क्या है उस पर फोकस करना है। डैश के बाद क्या है? शाबाश, अम्ब्रेला डैश के बाद है। ओके, जीरो आर्टिकल आएगा? नो। ए आएगा या एन आएगा या द आएगा? देखते हैं, पहले एन को यहां पे देखते हैं आएगा कि नहीं। डैश अम्ब्रेला, ये उर्दू में लिखेंगे अ की साउंड यानी कि अलिफ की साउंड, तो डायरेक्टली क्या पुट कर देंगे? एन पुट कर देंगे। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा, कैन यू लेंड मी एन अम्ब्रेला, विल बी योर राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन स्लाइटली। यहां पे देखेंगे, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, एंड अ डॉग, और एक डॉग को, एक कुत्ते को। डैश मैन वॉज ओल्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड डाइजेस्ट इट। यहां पे मैंने क्या लिखा? आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, एंड अ डॉग, और एक कुत्ते को। डैश मैन वॉज ओल्ड, जनरली बात हो रही है, स्पेसिफिकली? ओके, हैव अ क्विक ग्लेंस ऑन इट। अगर यहां पे मैन एम एन यानी कि एम एन इसलिए है क्योंकि यहां पे जनरली एक आदमी की बात हो रही है, यहां पे मीनिंग थोड़ी चेंज होती है। मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जो मैंने देखा, मगर वो क्या था? बूढ़ा। एवरी मैन इज नॉट ओल्ड, नहीं नहीं, हर कोई आदमी बूढ़ा नहीं है, बट यहां पे मैं उस आदमी के बारे में बात करता हूं जो क्या था? बूढ़ा था, और जिसको मैंने देखा। इसका मतलब स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट अ मैन। अब यहां पे क्या आएगा? व्हेनेवर वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली और पर्टिकुलरली अबाउट अ थिंग और अ पर्सन, सो इट टेक्स व्हाट? इट टेक्स डेफिनेट आर्टिकल द। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका द रहेगा। आगे बढ़ेंगे। डैश आवर इज टू शॉर्ट फॉर दिस टेस्ट। यहां पे क्या बेटा? डैश आवर, एच पहले है कि नहीं? हां सर है। ओके, मैं भी यहां पे लिखूंगा, ये हवर है? नहीं, हवर नहीं है। फिर क्या है? एच को कैंसिल कर देंगे तो क्या रहेगा? अवर रहेगा। अवर को क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे, उधर इधर जाने की जरूरत नहीं, कर दो ट्रांसलेट, लिखो उर्दू में अवर, अलिफ से स्टार्ट, तो डायरेक्टली क्या आएगा? एन आएगा। एक सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे चलेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल जो हमारे पास है वो है, डैश फुटबॉल इज ए पॉपुलर स्पोर्ट। फुटबॉल इज द नेम ऑफ, शाबाश, फुटबॉल इज द नेम ऑफ ए गेम। अगर गेम का नाम आया, क्या आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा? आपको खुद जवाब लिखना होगा। डैश इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री। इंडिया के बारे में यानी कि भारत देश के बारे में बात हो रही है, अगर कंट्री का नाम आया, इट टेक्स नो आर्टिकल, तो यहां पर क्या आएगा? जीरो आर्टिकल आएगा। I am reading dash interesting story. I am reading dash interesting story. अगर डैश के बाद देखेंगे तो क्या है? इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग को क्या कर लेंगे? उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, नहीं लिखेंगे उर्दू में, तो लिख लो किस चीज का वेट कर रहे हो। इंटरेस्ट, साउंड ऑफ अलिफ दे रहा है कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, तो यहां पे एन इंटरेस्टिंग स्टोरी आएगा। आगे बढ़ेंगे। कैन आई बोरो डैश बुक? कैन आई बोरो डैश बुक, जनरली बात हो रही है किताब की, कितने किताबें हैं? बहुत सारे हैं, कॉमन नाउन है, तो ए आएगा। आगे बढ़ेंगे। आई एम रीडिंग डैश न्यूयॉर्क टाइम्स, मैं पढ़ रहा हूं। सर क्या पढ़ रहा हूं? एक न्यूज़पेपर, जिस न्यूज़पेपर का नाम क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स। द टाइम्स ऑफ इंडिया है कि नहीं? फाइनेंशियल टाइम्स है, एशियन टाइम्स है, जितने भी अखबार है इनके साथ क्या आता है? नेम ऑफ द न्यूज पेपर स्टेक्स डेफिनेट आर्टिकल था, तो यहां पर भी क्या आएगा? I am reading the New York Times will be your correct option. आगे बढ़ेंगे। डैश बुक ऑन द टेबल इज माइन, किताब जो किस पे है? टेबल पे है, वो किसकी है? मेरी है। यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक, मैं उस किताब के बारे में बात करता हूं जो कहां पे है? टेबल पे है। यानी कि स्पेसिफिकली बात करता हूं किताब के बारे में, तो क्या आएगा? द बुक ऑन द टेबल इज माइन। ओके, यहां पे और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट लो। ओके, 5 सेकंड देता हूं, स्क्रीनशॉट लो आप, और इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चंस आपको आए, इसका मतलब कि आपका आर्टिकल का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। आई एम रीडिंग डैश बुक अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री के मुतालिक बहुत सारी किताबें हैं, है कि नहीं? बहुत सारी किताबें हैं। किस किताब की बात हो रही है? No, पता नहीं है लिसनर को, पता नहीं है हिस्ट्री की बात हो रही है, मगर किस हिस्ट्री की, किस किताब की? क्या इसमें ए एन या द आएगा? ओके, आगे बढ़ेंगे।
तो ये क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। डैडस सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे, सन के बारे में बात हो रही है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ क्या आएगा वो आप लिख लीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में। आगे, आई नीड डैडस पेन टू राइट दिस लेटर, ये क्वेश्चन तो पहले ही मैंने सॉल्व किया। डैडस होटल वी स्टेड एट यस्टरडे वाज, यहां पे एरर हुआ है, यहां पे लिखिए आप खुद यस्टरडे, यहां पे आप यस्टरडे लिख लीजिए। डैडस होटल वी स्टेड यस्टरडे वाज लक्जरियस, यानी क्या, जिस होटल में हम रात को रुके थे हम उस होटल के बारे में बात करते हैं, तो यहां पे आएगा द होटल वी स्टेड एट यस्टरडे। आगे, शी इज डैडस ओनली स्टूडेंट इन हर क्लास विथ परफेक्ट अटेंडेंस, यहां पे भी स्पेसिफिकली उस स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है जिसकी अटेंडेंस परफेक्ट है, 100% है। इतने सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट की बात हो रही है और लिसनर को पता है उस स्टूडेंट की कि उसको 100% अटेंडेंस है, तो यहां पे क्या आएगा, व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली एंड वहां पे हम डेफिनेट आर्टिकल द को इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पे आएगा शी इज द ओनली स्टूडेंट। आगे, आई एम गोइंग टू बाय डैडस एप्पल, एप्पल क्या है, कॉमन नाउन है, साउंड क्या है, वॉवल साउंड है, तो क्या आएगा सर, एन एप्पल आएगा, ये आपको खुद करना है। द डैडस यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई इज वन डैडस बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, इतने सारे यूनिवर्सिटीज हैं, जनरली बात करेंगे टेक्स नो आर्टिकल, स्पेसिफिकली बात करेंगे टेक्स आर्टिकल। अब क्या आएगा यहां पे और यहां पे क्या आएगा, यहां पे बेटा बेस्ट है, मैंने आपको पढ़ाया है पिछले वीडियो में सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ क्या आता है, डेफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक सुपरलेटिव डिग्री है, एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट है आपके पास, तो यहां पे द बेस्ट आएगा और यहां पे क्या आएगा वो आप जरूर जवाब दीजिए। आगे चलेंगे, आई लव रीडिंग डैडस आर्टिकल्स, प्लूरल है आर्टिकल्स अबाउट साइनस, वो भी साइनस के मुतालिक स्पेसिफिकली बात हो रही है, इन डैडस मैगजीन, मैगजीन कितने हैं, बहुत सारे, किस मैगजीन की बात हो रही है, डोंट नो, तो कॉमन मैगजीन है, तो यहां पे क्या आएगा आप जवाब लिखिए, डैडस दिल्ली इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया बेटा, और एक सवाल है डैडस दिल्ली है बेटा, दिल्ली पे फोकस करिए, तो क्या है, शाबाश, दिल्ली इज द नेम ऑफ द स्टेट, इट इज द नेम ऑफ द सिटी, क्या यहां पे आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, आई एम लुकिंग फॉर, यहां पे आर्टिकल नहीं आएगा, आई एम लुकिंग फॉर डैडस जॉब, कौन सा आर्टिकल यहां पे आएगा, यहां से आप स्क्रीनशॉट लो, ये भी आपके लिए एग्जांपल्स लेके आया, ये क्वेश्चंस जो है ये मैं पेपर से लेके आया हूं, चाहे एसएससी पेपर है या एसएसबी पेपर है, जितने भी है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो मैं वहां से उन पेपर्स से इन एग्जाम्पल्स को लेके आया हूं, कलेक्ट किया इन एग्जाम्पल्स को और आपके स्क्रीन पे ये मौजूद है। ओके, यहां पे क्या है, द एलिफेंट इज डैडस बिगेस्ट एनिमल, तो क्या आएगा यहां पे वो आप जवाब दीजिए, मोस्ट, यहां पे मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज फेसबुक, तो मोस्ट से पहले क्या है, द है। ओके, एक चीज सिखाता हूं आपको जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, तो वो हम एडजेक्टिव में पढ़ लेंगे, मगर फिलहाल यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूं। तीन डिग्रीज है एडजेक्टिव के, एक है पॉजिटिव डिग्री, एक है कंपैरेटिव डिग्री और एक है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे क्या, ये मैंने यहां पे लिखा लार्ज, इसकी कंपैरेटिव डिग्री है लार्जर, लार्जर और इसकी सुपरलेटिव डिग्री है लार्जेस्ट। फर्क क्या है सर, फर्क यह है लार्ज को हम सिंपली किसी स्टेटमेंट में लिखते हैं, लार्जर तब लिखेंगे जब दो इंसान या दो चीजों के बीच में कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज बेटर देन मी, ऐसे गुड, बेटर, बेस्ट, ही इज टॉलर देन मी, फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे ये लार्जेस्ट, जो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये हम तब लिखते हैं जब हम एक चीज को या एक पर्सन को या एक नाउन को बहुत सारी चीजों के साथ कंपैरिजन करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, द बॉय इज द बेस्ट या ही इज द बेस्ट इन द क्लास, यानी कि सारे क्लास में वो बेस्ट है। आगे है, अच्छा, अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, ऐसे कुछ डिग्रीज हैं जिनको हम कंपैरेटिव डिग्री में ईआर ऐड नहीं कर सकते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में एसटी ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटी की अगर हम बात करेंगे, ब्यूटीफुल की, ठीक है, ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुलर आपने देखा है, ब्यूटीफुलेस्ट देखा है, नहीं सर, इसकी कंपैरेटिव डिग्री सर कैसे लिखेंगे हम, समझ लो बेटा, कॉन्सेप्ट देता हूं,
अगर मैं कहूंगा शी इज ब्यूटीफुल, ओके वो खूबसूरत है, वो मुझसे खूबसूरत है, शी इज ब्यूटीफुलर देन मी, नो रॉन्ग है, फिर क्या है, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन मी। कंपैरेटिव डिग्री में ये क्या लेते हैं, मोर लेते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में इनके सामने मोस्ट हम लेते हैं, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द विलेज। तो जब ये मोस्ट आएगा ना, कभी भी मोस्ट को देखोगे तो वहां पे क्या लिखना है, ये आप यहां पे ये मोस्ट है, द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज फेसबुक। तो मोस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, द, क्योंकि सुपरलेटिव एडजेक्टिव में आता है। आगे चलेंगे, आई एम गोइंग टू स्टोर टू बाय डैश मिल्क, टू बाय अ मिल्क, टू बाय द मिल्क, टू बाय एन मिल्क, क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन है, जनरली बात हो रही है अनकाउंटेबल नाउन की, तो क्या इसमें आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, या जीरो आर्टिकल आएगा, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। ऐसे ऑल डैश एम्प्लॉयज आर इनफॉर्म्ड टू अटेंड द मीटिंग, यानी कि एक एम्प्लॉय की बात नहीं बल्कि एम्प्लॉयज की बात होती है, तो रूल ऑफ प्लूरल हमने पढ़ा है कि उसके साथ कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होता है, तो यहां पे आएगा ऑल द एम्प्लॉयज आर इनफॉर्म्ड टू अटेंड द मीटिंग। और ये एग्जाम्पल्स है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट लो, यहां पे डैश सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे, फिर से रिपीट हुए है, सॉरी, ये एग्जाम्पल जो है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किए। आगे है और ये चार एग्जाम्पल है बस, इसके साथ आपका कंसेप्ट आर्टिकल जो है उसका एंड होगा, और जितने भी इस कंसेप्ट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितना भी इस कंसेप्ट के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते थे, तो मैंने कोशिश की वो सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने की। तो अब अगर देखेंगे, ये चार एग्जाम्पल्स आपके लास्ट चार एग्जाम्पल्स रहेंगे जो आपको खुद करने हैं। तो यहां पे और एक एग्जाम्पल, द एलिफेंट इज डैश, एन एलिफेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये हम एलिफेंट की क्वालिटी को यहां पे बयान करते हैं, द एलिफेंट इज डैश बिगेस्ट एनिमल, बिगेस्ट एनिमल। तो अगर हम देखेंगे बिग, बिगर, बिगेस्ट, एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है बेटा, तो इसमें क्या आएगा, शाबाश, आपके पास दो सेकंड है, जवाब जल्दी से बताइए क्या आएगा, ए बिगेस्ट एनिमल आएगा, एन आएगा, द आएगा, या जीरो आर्टिकल आएगा। ओके, यहां पे डैश मून लुक्स ब्यूटीफुल टुडे, यानी कि मून के बारे में बात करते हैं, और जब भी हम उस चीज के बारे में बात करते हैं जो एक यूनिक चीज होता है, जो एक पर्टिकुलर चीज होता है, जो दुनिया में सिर्फ एक ही होता है, या स्पेसिफिकली अगर हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे हम डेफिनेट आर्टिकल द को लिखते हैं, और यहां पे हम पुट कर सकते हैं द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुडे, इट इज डैश यूजफुल मैथ बुक। ओके, यहां पे है इट इज डैश यूजफुल बुक, यहां पे अगर हम बात करेंगे डैश के बाद सर क्या है, डैश के बाद है यूजफुल, तो ऐसे नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, तो एन लिखेंगे, नहीं लिखेंगे सर, क्योंकि यू है, कुछ बच्चे एन लिखते हैं बाहर बोलते हैं फिर एग्जाम के बाहर, हाँ हमने एन लिखा ये हमारा करेक्ट है, नहीं रॉन्ग है सर, कैसे, क्योंकि यू वॉवल है मगर साउंड वॉवल की नहीं देता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको ये पढ़ाया है, यूजफुल ये यो की साउंड दे रहा है, तो इसलिए आएगा इट इज अ यूजफुल बुक। ओके, लास्ट एग्जाम्पल जो है वो है आई सॉ डैश मैन डैश फॉरेस्ट, आई सॉ ए मैन इन ए फॉरेस्ट, अगर लिखेंगे गलत है, क्योंकि हम स्पेसिफिकली बात करते हैं उस मैन के बारे में जो मैंने कहां पे देखा, फॉरेस्ट में देखा, तो इसलिए जो ये फॉरेस्ट है ये भी प्रॉपर बन जाता है, और ये मैन जो है ये भी प्रॉपर बन जाता है, आई सॉ द मैन इन द फॉरेस्ट। तो इसके साथ आपका कंसेप्ट जो है, आर्टिकल का कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।